हेलो, वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्मैश प्रेडिक्शंस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। बात करें आईपीएल की तो एक के बाद एक मुकाबले चल रहे हैं और बात कर लेते हैं अब हम मैच नंबर 43 की। आरसीबी और राजस्थान के बीच खेला जाएगा यह मुकाबला। अगर हम बात करें दोनों टीम्स की तो एक टीम आ रही है इस मुकाबले में हार कर, यानी कि राजस्थान रॉयल्स, और एक टीम आ रही है इस मुकाबले में जीत कर, यानी कि आरसीबी की टीम। अगर हम बात करते हैं आरसीबी की, हम जानते हैं कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं, काफ़ी बोल्ड खेल रहे हैं। और लास्ट मैच में मैंने बोला था आपसे कि आरसीबी मुंबई को हरा सकती है, मेरी प्रेडिक्शन थी आरसीबी की तरफ और वो सही साबित हुई। अगर हम बात करते हैं इस मुकाबले की तो देखते हैं कि क्या हम इस मैच में निकाल सकते हैं और कैसे हम प्रॉफिट बुक करें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। पहला सेगमेंट होता है हमारा लो रिस्क बैट का, तो इसमें मैंने बैक कराया है कि आरसीबी की टीम जो है वो जो है ओपनिंग करेगी अच्छी, और राजस्थान से उनकी रहने वाली है हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप 1.72 ऑड्स पर। बहुत ही कमाल की बैट लगी मुझे, क्योंकि हमने देखा है कि आरसीबी जिस तरीके से खेल रही है और पर्टिकल और कोहली की जोड़ी काफ़ी शानदार है ओपनिंग में, तो इसलिए सिंगल स्टेक है, लो रिस्क बैट है। 727 रुपये का इस पर मुझे मिल रहा है टोटल मुनाफा, तो आप बने रहें इस बैट के साथ। तो चलते हैं अब हम सेकंड सेगमेंट, वो हमारा होता है धमाकेदार बैट का। तो इसमें मैंने बैक कराया कि संजू सैमसंग की रहने वाली है प्लेयर परफॉर्मेंस 38+ की 1.83 ऑड्स पर। बहुत ही कमाल की बैट लग रही है मुझे, क्योंकि सैमसंग जो है वो बहुत ही कमाल की फॉर्म में है और आपने देखा होगा किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। विकेट कीपर हैं, एक स्टंप भी करते हैं, 25 पॉइंट कैच लेने, 10 पॉइंट बल्ले के साथ एक रन मारेंगे, एक पॉइंट है, तो ये तरीका होता है पॉइंट्स को निकालने का और काफ़ी आसानी के साथ मुझे लगता है कि सैमसंग 38+ क्रॉस कर जाने चाहिए। इंटू टू का स्टेक है 1666 का मुझे इस पर मिल रहा है टोटल मुनाफा, तो आप बने रहें संजू सैमसंग के साथ। तो चलते हैं अब हम थर्ड सेगमेंट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट का सेगमेंट। तो इसमें मैंने बैक करा है कि विराट कोहली की रहने वाली है प्लेयर परफॉर्मेंस 39+ की 1.83 ऑड्स पर। बहुत ही कमाल की बैट लग रही है मुझे विराट कोहली की, जिस तरीके से फॉर्म में है ये, कैच पकड़ने 10 पॉइंट, बल्ले के साथ एक रन मारेंगे, एक पॉइंट है, और ये मुझे लगता है कि 39 आसानी के साथ क्रॉस कर जाने चाहिए। पूरे 2500 रुपये का, एक बार दोबारा सुनिए, 2500 रुपये का इस पर आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, लेकिन आप अपनी पॉकेट के हिसाब से इस पर ट्रेड करें। तो वही चलते हैं फोर्थ सेगमेंट, वो हमारा होता है कंफर्ट बैट का सेगमेंट। जिस तरीके से आरसीबी ने बल्लेबाजी करी लास्ट मैच में, मैक्सवेल और एबीडी विलियर्स ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपको छक्के मार के देते हैं, तो मैं बैक कर रहा है कि आरसीबी इस मुकाबले में राजस्थान से ज़्यादा छक्के मारने में कामयाब रहेगी, क्योंकि इनके पास हैं सिक्स मारने वाले प्लेयर ज़्यादा। पर्टिकल भी मारते हैं, मैक्सवेल मारते हैं, डिविलियर्स मारते हैं, तो आसानी के साथ मुझे लगता है ये बैट जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो जाने चाहिए। इंटू टू का स्टेक है और पूरे 2000 रुपये का मुझे इस पर मिल जाएगा टोटल मुनाफा, तो आप बने रहें कि आरसीबी की जो टीम है वो इस मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाली है 2.00 ऑड्स पर। तो चलते हैं फिफ्थ सेगमेंट, वो हमारा होता है मैच विनर बेट का सेगमेंट। तो इसमें मैंने बैक कराया कि आरसीबी की टीम जो है वो ये मुकाबला काफी आसानी के साथ मुझे लगता है कि जीत जानी चाहिए, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उनके पास मोमेंटम आ चुका है। इंटू टू का स्टेक है 1.66 ऑड्स हैं और नेट प्रॉफिट है 1333 का, तो आप बने रहें आरसीबी के साथ कि वो अपना विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे और अपने प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। राजस्थान की टीम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इस मुकाबले में पीछे हैं, क्योंकि उनकी टीम मुझे इतनी स्टेबल नज़र नहीं आ रही एज़ फार एज़ बैटिंग इज़ कंसर्न। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुझे लगता है कि इनकी टीम काफ़ी बैलेंस टीम है और ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेंगे। और आपको जो ये पांच टिप्स हैं ये आपको कहाँ लगानी है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं जो बता रहा हूँ ये आपको कहाँ पे करना है ट्रेड, ये आपको करना है bet365 की वेबसाइट पर। इसी वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, लिंक को टैप करिए, सीधा पहुंच जाएंगे bet365 की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर आसानी के साथ आप स्टेक लगा सकते हैं और एक बार अपने दिन को फिर से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने करी उसमें जो है आप मुझे बताइए कि आपका किस तरीके से दिन रहा, आपने लॉस बुक कराया, प्रॉफिट बुक करा, आप मुझे अपडेट देते जाइए, क्योंकि लगातार मैचेस हो रहे हैं एक के बाद, तो मैं अपडेट आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियोस तो लेकर मैं आ रहा हूँ डेली। आपके लिए वीडियोस मिल जाती हैं आपको मैच ख़त्म होते ही या फिर मैच के दौरान ही मैं अगले दिन की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसे ही आप क्रिएटिव स्मैश प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़, आपसे कहते रहता हूँ डेली वीडियोस में कि सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और दोबारा आएँ आप हमारे चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको मिलती हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है और कौन सी टीम जीतने वाली है, किस तरीके से हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।